खबर आ रही है अररिया से, जहां पर बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। यहां आग लगने से 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल ये बच्चे झोपड़ी में भुट्टा पका रहे थे, तभी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग फैल गई और सभी 6 बच्चों की उसमें झुलसकर मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 3 साल से लेकर 6 साल के बीच की थी। घटना अररिया के पलासी प्रखंड स्थित कबैया गांव की है। मंगलवार को यहां छोटे छोटे बच्चे भुट्टा पका रहे थे। भुट्टा पकाने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी झोपड़ी में लग गई। इनमें कोई भी बच्चे वहां से भाग नहीं सके और उनकी झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 3 साल की गुलनाज, 4 साल का बरकस, 5 साल के अशरफ, 5 वर्षीय अली हसन और 5 वर्षीय खुश निहार के अलावा 6 साल का दिलवर शामिल है। घटना के बाद से ही गांव में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की उपी क्षेत्र के एक गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उन पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। एसएसपी जयंत कांत के मुताबिक दोनों पक्षों में कई सालों से विवाद चल रहा था जिसने उग्र रूप ले लिया। वहीं इस पथराव में पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तुर्की थाना क्षेत्र में एक टारसन गांव है जिसमें दो पक्षों में, ग्रामीण पक्षों में ही आपस में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया। बाद में वह बात आगे बढ़ गई, पुलिस फोर्स वहां पहुंची। पहुंचने के बाद में लोगों की अरेस्टिंग हुई, लगभग 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति अरेस्ट हैं और इसके बाद में यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। इसमें कुछ पुलिस वालों को चोट आई है, कुछ ग्रामीण लोगों ने पथराव किया था जिसको जो है बाद में कंट्रोल किया गया। उसी को कंट्रोल करने के दौरान में कुछ पुलिस वालों को चोट आई है, किसी की गंभीर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 1 में शामिल है हर घर नल जल योजना, लेकिन ये योजना एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मामला पटना के मोकामा का है जहां दरियापुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बने पानी टंकी में पानी भरते ही टंकी ध्वस्त हो गया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की हवा निकलते देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया सामान का इस्तेमाल कर इस टंकी को बनाया गया जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं इस मामले पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसे जरूरी ही नहीं समझा। पंचायत 9 नंबर वार्ड में जो है पानी कनेक्शन का जो है टंकी है, उसमें जो है कि एक टंकी में पानी भराया, उसके बाद जो है कि ध्वस्त हो गया जो है। उसके बाद कई घर में पानी का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। कल जो है पानी जो है इसमें टंकी में भराया, पानी भरने के समय में जो है कि टंकी ध्वस्त हो गया जो है, टावर का बेस जो है कि। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा का मंगलवार की सुबह निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। घटना के बाद मंत्री के पटना स्थित आवास पर शोक व्यक्त करने वाले लोगों का तांता लग गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंत्री के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। और बीच में तबीयत सुधरने लगी थी, लेकिन अचानक फिर ऐसी स्थिति आई, सब लोगों को साथ पूरे परिवार के साथ, उनके पिताजी के साथ, उनका बहुत ही पहले का और पुराना संबंध है। जब उनका सरकार बनी 2005 में नवंबर में, उसके कुछ दिनों के बाद सुनी महतो नामक एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना नौरंगिया थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई जिसके बाद नथुनी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारा पति फरार हो गया। वहीं पुलिस की घटना के बाद छानबीन कर हत्यारे पति की तलाश में जुटी है।
कटिहार में दो मोटरसाइकिल में टक्कर होने से चार लोगों की मौत हो गई। पोटिया थाना क्षेत्र के खोटा चौक के पास कुर्सिला और पूर्णिया की तरफ से आ रहे दो बाइक आमने सामने टकरा गए और इस भीषण टक्कर में घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। से पल्सर आ रहे थे, तीन आदमी था उसमें जी, और एक कुर्सेला तरफ से आ रहे, उसमें एक बच्चे और एक लड़का था, दोनों आमना सामना टक्कर हो गया, किसी में तीन घायल है, पूरे नहीं बचेगा, एक सीरियस है वो भी नहीं बचेगा। पटना जिला के बाढ़ थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने पीट पीट कर हत्या की बात कही है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाके में लोगों से पूछताछ कर रही है।